सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ तो मेहरबानों, पेश है सिसोदिया कैसेट वालों के सौजन्य से किस्सा महाराणा प्रताप भाग एक। प्रेमियों, उस समय की बात है जिस समय मानसिंह अकबर का सेनापति सोलापुर को जीतकर वापस लौट रहा था। मार्ग में मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप का राज उदयपुर पड़ता था। दोस्तों, मानसिंह प्रताप के यहां आकर रुका, किंतु महाराणा प्रताप इनसे मिलने को नहीं आया। मेहरबानों, मानसिंह इस बर्ताव से नाराज होकर अपने स्थान लौट गए। आप सब जानते होंगे मानसिंह कभी जयपुर का राजा था, किंतु यह अकबर की शरण में चला गया था। दोस्तों, मानसिंह ने अकबर को चित्तौड़ उदयपुर पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। अकबर की राजधानी उन दिनों आगरा में थी, किंतु मेवाड़ के युद्ध से उस समय अकबर का दरबार दिल्ली में लगने लगा था। महाराणा प्रताप ने अकबर की शरण में जाने को अच्छा न समझा और उसके युद्ध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। दोस्तों, मानसिंह अकबर की ओर से सेनापति के रूप में आया और उधर से महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना सहित युद्ध में आ जाता है और युद्ध होने लगा। दोस्तों, कवि ने किस तरह और इन बातों के द्वारा क्या समझा? अरे मुगल और राजपूतों में शुरू, अरे जंग हो गया, जूझने लगे जवान पहले का ढंग।
किया दमन मुगल जाति को। राणा की आंख ढूंढ री उस मान सिंह घाती को। पड़ गया निगाह जा पकड़ा फिर अकबर के साथी को। राणा का लक्ष्य चूक गया ले भगया मान हाथी को। डर गया मौत आती को देख डर गया मौत आती को देख मत भंग हो गया। गुजरने लगे जवान प्रलय का ढंग हो गया प्रलय का ढंग हो गया। ओड़ी रजपूती महानी सेना सम्राट बड़ी थी फिर भी सेना रजपूती शेरों की तरह लड़ी थी। राणा गिर गए अचानक भारत की पोच घड़ी थी। तीरों से घायल चेतक राणा पे चोट पड़ी थी। कड़ी मुंह खोले छलनी रे अंग हो गया। गुजरने लगे जवान प्रलय का ढंग हो गया प्रलय का ढंग हो गया। दुश्मन का बनेगा निशाना। लिया ताज ओढ़ राणा का किया सेनापति का बाणा। दुश्मन टूटे जाला पे राणा हो गया रवाना। गुरु शरण दास झाला को मिला मौत की गोद ठिकाना। झाला मरा बचा राणा झाला मरा बचा राणा दल दंग हो गया। गुजरन लगे जवान प्रलय का ढंग हो गया प्रलय का ढंग हो गया।